हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट पॉड एमपी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो और कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। एमपी के कॉलेज वाइज कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। आप में से बहुत सारे दोस्तों को पसंद भी आ रहा है और कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं अलग अलग मार्क्स के लिए, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। डिटेल में बात करेंगे 560 में कौन सा कॉलेज मिलेगा, 570 पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 550 पे क्या कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इस तरह की जितने भी कंफ्यूजन आपकी है, आप बने रहिए पूरी वीडियो में, इसका जवाब आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में सबसे पहला कॉलेज हमारा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा। जी हाँ दोस्तों, इस कॉलेज की अगर कट ऑफ की बात करें राउंड वन में, तो जनरल कैटेगरी के लिए 564 पे क्लोज हुआ है, 40,411 ऑल इंडिया रैंक थी। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 555 पे क्लोज हुआ है, 45,351 ऑल इंडिया रैंक थी। ईडब्ल्यूएस की 553 पे क्लोज हो गया है था लास्ट ईयर, 46,718 ऑल इंडिया रैंक। एससी 429 पे क्लोज हुआ था, 146,502 ऑल इंडिया रैंक थी। इस तरह से एसटी कैटेगरी की बात करें तो 328 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, 274,771 में आप जो रैंक थी ऑल इंडिया उस पे क्लोज हुआ था। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए राउंड वन में 564, 555, 553 कुल मिला के 550 प्लस आपका मार्क्स है, 550 भी है, तो इस कॉलेज में आपको राउंड वन में कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा की। अब आइए बात करते हैं राउंड टू की, कि राउंड टू में इसका कट ऑफ किया गया था। दोस्तों राउंड टू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 से 557 हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है। इसी तरह से जनरल ओबीसी कैटेगरी 550 पे, ईडब्ल्यूएस में 548 और इस तरह से एससी में 424 और एसटी कैटेगरी में 329 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे 272,919 थी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो राउंड टू में आपके मार्क्स 550 भी अराउंड में है तो आपका आराम से हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अब जो भी दोस्त 550 मार्क्स पे हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, तो आप जीएमसी खंडवा उम्मीद कर सकते हैं कि राउंड टू में आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस 5 मार्क्स हमेशा ऐड करके चलिए। तो ये था जीएमसी खंडवा के बारे में। आइए एक और जीएमसी की बात करते हैं और वो है हमारी लिस्ट में जीएमसी देतिया। जी हाँ, जीएमसी देतिया की बात करेंगे तो जीएमसी देतिया में राउंड वन के जो कॉलेज कट ऑफ आप देखेंगे तो वो कुल मिला के 562 के अराउंड में था, जो कि खंडवा के तरह ही था, है लगभग लास्ट ईयर का राउंड का अगर देखेंगे तो। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 441,188 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 555 पे क्लोज हुआ है, 45,844 ऑल इंडिया रैंक थी। ईडब्ल्यूएस में 548 पे क्लोज हुआ है, 49,983 ऑल इंडिया रैंक रही है। एससी कैटेगरी के लिए 428 पे क्लोज हुआ है, 148,287 ऑल इंडिया रैंक रही है। एसटी कैटेगरी के लिए 316 मार्क्स पे क्लोज हो गया था, 293,668 ऑल इंडिया रैंक रही है राउंड वन में। आइए अब बात करते हैं कि राउंड टू में जीएमसी देतिया में किस मार्क्स पे आप कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी लोग 550 पे हैं या 545 पे भी हैं तो इस कॉलेज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जीएमसी देतिया आपको मिल जाएगा। 555, 550, 544 कुल मिला के अगर 550 है आप तो सेफ हैं, इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको एमपी से होना चाहिए। इसी तरह से अगर एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 423 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, एसटी 309 पे क्लोज हुआ है। इधर ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि इस ऑल इंडिया रैंक पे आपका मार्क्स जो बन रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले में कितना बन रहा है वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मॉप अप राउंड के बारे में। दोस्तों मॉप अप राउंड में अगेन सीटें नहीं होती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे अगर आप मॉप अप राउंड की बात करेंगे तो यहाँ एससी कैटेगरी में आपको एक सीट जो थी वो अवेलेबल थी मॉप अप राउंड के लिए और वहां पे 308 मार्क्स पे क्लोज हुआ था और 30,731 ऑल इंडिया रैंक थी। जीएमसी देतिया का मॉप अप राउंड मैंने छोड़ दिया, सॉरी जीएमसी खंडवा का, आइए उसको भी देख लेते हैं। कुल मिला के अगर जीएमसी खंडवा का आप मॉप अप राउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए मॉप अप है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी में ही आपको कॉलेज देखने को मिल रहा है। एससी कैटेगरी में 422 मार्क्स पर क्लोज हुआ है, 153,927 ऑल इंडिया रैंक रही है। इन दोनों ही कॉलेज, चाहे जीएमसी खंडवा हो या जीएमसी देतिया हो, इन दोनों कॉलेज में आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का कर सकते हैं राउंड टू में। 550 आपका है तो आप सेफली इस कॉलेज